पहली बात तो मैं एज ए स्टूडेंट हूँ और मुझे लगता है कि आप लोग मेरी बातों को समझ पाएंगे, तो आप लोग मेरा साथ दीजिए सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन, इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ, दिस इज लवली विश्वकर्मा स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू एंड पर्सुइंग बीटेक फ्रॉम एकेटीयू कानपुर। और जैसा कि आज बसंत पंचमी है और मुझे लग रहा है कि आज बसंत पंचमी के इस पावन अवसर पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं, जो इसका मोटो है, आखिर हम इसको सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं। अगर पहली चीज देखा जाए तो इसका सेलिब्रेट करने का पहला रीजन है आज माँ शारदे का पूजन है, आज माँ सरस्वती का पूजन करने जा रहे हैं। और दूसरी चीज कि इस दिन मेरे को लगता है कि जो हमारा नेचर है एक तरीके से चेंज हो रहा है। और तीसरी चीज देखा जाए तो जो एक छोटा बच्चा होता है उसको स्टार्टअप पढ़ाई को लेकर के उसको स्टार्टअप कराया जाए कैसे, मतलब श्री गणेश कैसे करा जाए, और कुछ परंपराएं भी प्रचलित हैं मार्केट के अंदर, सोसाइटी के अंदर। जैसा कि परंपरा क्या है कि बहुत सारे लोग पीली पगड़ी पहन के निकलते हैं, पीली साड़ी पहन के निकलते हैं औरतें, और ऐसी बहुत सारी परंपराएं, लोग पतंग उड़ाते हैं। तो ये तो बसंत पंचमी की बात है, बट मेरा कुछ एक मैसेज देना है, मैसेज सब लोगों के लिए देना है, मैसेज छोटा सा है। देखो सर, पहली बात तो मैं छोटा सा हूँ और मुझे लगता है कि आप लोगों को मैं समझा नहीं सकता, लेकिन हाँ इतना तो है सर कि एक जो मैसेज है एज ए स्टूडेंट, मुझे लगता है सर कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम कुछ ऐसा है कि वो सिर्फ एक तरीके से मशीन या रोबोट तरीके से नौकर, कहते हैं नौकर बना के निकालता है। जैसे कोई बच्चा स्टडी के लेकर के स्टार्टअप करता है और जाकर के वो लास्ट नौकर बनता है, क्या ये सही है? हमारे पूर्व राष्ट्रपति बोलते हैं सर, APJ अब्दुल कलाम सर बोलते हैं कि जब तक शिक्षा की बुनियादी मकसद सिर्फ नौकरी पाना होगा, तब तक समाज में मालिक नहीं नौकर ही पैदा होंगे। तो क्या ये सही है? यस सर। यस और नो? यस सर। यू आर कीप गोइंग। दूसरी चीज है, एक छोटा सा मैसेज है सर कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है इसको एक अपडेटेड फॉर्मेट में होना चाहिए, बिकॉज एक एजुकेशन सिस्टम हमारा सिर्फ डिग्री के ऊपर फोकस करता है सर, ओनली डिग्री, नॉट अ डेवलपमेंट सॉफ्ट स्किल, ऐसे बहुत सारी चीज़ें छोड़ देता है। ओनली डिग्री, फॉलो योर डिग्री, फाइंड योर डिग्री, फॉलो योर डिग्री, हमें डिग्री को फाइंड करना है, उसके बाद उसको फॉलो करना है, क्या ये सही है? बस इसी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।